हे माय फ्रेंड्स, तो अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है या फिर आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं और साथ में कहीं अगर घूमने गए हैं और बहुत सारी अपनी वेजिटेबल्स खरीद ली है, लेकिन आप सोच रहे विदाउट फ्रिज आप कैसे स्टोर करें ताकि जो सब्जियां हैं वो हफ्तों तक अच्छी रहे, ख़राब ना हो, तो चलिए जान लेते कुछ हैक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो पर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मार्केटिंग की है और बहुत सारे वेजिस उन्होंने खरीदा है, वेजिटेबल्स। तो अभी इनको मैं विदाउट फ्रिज के कैसे आप स्टोर करके रख सकते हो काउंटर टॉप में, किचन में, कहीं भी, कि आपकी सब्जियाँ वगैरह एकदम ख़राब ना हो, कोई भी तरह की सब्जी हो आपकी एकदम अच्छी रहे, तो वो टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे इस वीडियो में पूरा बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए, और नए चैनल में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें कि जब भी एवरी टाइम मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ये रहा एक, देख सक रहे ऐसा बड़ा सा एक मेरे पास बास्केट था, तो ये बास्केट को मैं यूटिलाइज़ करूँगी। अगर आपके पास इतना बड़ा बास्केट नहीं है, आप छोटा छोटा भी दो तीन ले सकते हो, ऐसा होल रहना चाहिए। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक कॉटन का क्लोथ लिया है, आप कोई भी क्लोथ यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इनको क्या करना है, अब अच्छा तरह से भिगोकर इसको निचोड़ लेना है ताकि इसमें कोई पानी ना रहे लेकिन भीगा हुआ रहे। और देखिए इस तरह से इसको हम बिछा लेंगे इस तरह से, और इसके बाद इसमें अच्छे से बिछाने के बाद देखिए इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। अब इसमें क्या करूँगी ना, जो मैंने बीजेस मेरे हस्बैंड ने जो ख़रीदा है उनको मैं इस तरह से इसके अंदर मैं रख दूँगी। कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं, आप जो भी बाजार जो भी हो आप सभी इसमें रख सकते हो, जो कि हम फ्रिज में रखने को सोचते हैं लेकिन वह ज़रूरी नहीं है, वो विदाउट हम फ्रिज में आज बाहर रखेंगे और हफ्तों तक अच्छी रहेगी। ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि परवल दे सकते हैं, बैंगन, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी और करेला वगैरह, भिंडी, तो एक जो बाजार है वो मेरा ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे मैंने सब डाल दिया है। और साथ में ये जो पम्पकिन देख रहे हैं, तो ये पम्पकिन की जो बीज है इसको ऑब्वियसली निकाल कर फेंक दीजिएगा हमेशा, क्योंकि इससे ख़राब होने की चांसेस रहती है, तो ये मैं निकाल के फेंक दूँगी। तो इससे क्या होती है ना, बहुत दिन तक पम्पकिन अच्छी रहती है, हम लोग कुमरा जो बोलते हैं वो अच्छी रहती है, ख़राब नहीं होती है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें ये जो कपड़ा है उसको मैं इस तरह से ढाक दूँगी, और ये भीगा हुआ निचोड़ा हुआ कपड़ा है, पानी ज़्यादा नहीं है लेकिन सोख भीगा हुआ है, तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको ढाक कर रख दें। और ऐसी जगह में कहीं आपका काउंटर टॉप हो जहाँ पे स्पेस है और धूप नहीं आती हो, उस जगह पे आप इस तरह से वेजिटेबल्स को अगर रख देंगे तो आपकी वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होगी, एकदम अच्छी रहेगी, हफ्तों तक रहेगी। तो इस टिप्स को ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में 4 टिप्स बताऊँगी, तो ये मेरा पहला टिप्स है जो आपके बड़े काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। तो दूसरा टिप से देख सकते हैं कि कभी कभी हम वेजिटेबल जब सब्जियां काटते हैं तो कुछ सब्जियां बच जाती है ऐसे आधी कटी हुई, तो इनको हम कैसे विदाउट फ्रिज हम बाहर रखें कि ये ख़राब ना हो, तो उसकी मैं टिप्स बताऊंगी। तो क्योंकि ये हमेशा ख़राब होने की चांसेस रहती है, क्योंकि फ्रिज नहीं है हमारे घर में और हम हॉस्टल में भी रहते हैं वहाँ पर फ्रिज नहीं होता, लेकिन कैसे इसको अच्छा से रखें, तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो प्लास्टिक वाली जो ये जो रैपर आती है जो हम फूड वगैरह को रैप करने में यूज़ करते हैं, अगर आपके पास ये है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो वेजिटेबल्स को इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाफ कैप्सिकम रखी हुई है, कटी हुई थी, तो इसको इस तरह से मैं अच्छे से मैं इसको रैप कर लूँगी और रैप करके इसको मैं ऐसे रख दूँगी। इसी तरह से आप टमाटर भी कर सकते हो, रैप कर सकते हो, तो इससे क्या होती है ना, इसमें जो कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, इसमें एयर भी नहीं लगेगा और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, हफ्तों तक इस तरह से अच्छा रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा। और बस इसको आप एक ऐसी जगह रहिए जहाँ पे धूप नहीं आती हो बस, और कुछ नहीं है, और इस तरह से आप इसको अच्छे से रैप कर ले। तो बहुत अच्छी टिप्स है, तो फ्रिज नहीं है आपके घर में तो ज़रूर अप्लाई कीजिए इस टिप्स को। इसके बाद मैं दूसरा भी तरीका बताती हूँ, क्योंकि बहुत जनों के पास ये रैपिंग पेपर नहीं भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इस तरह से रैपिंग पेपर शायद नहीं है हमारे, समझ लीजिए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसके बदली यूज़ करेंगे न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो सबके घर में अवेलेबल होती है,
हम तो उसी के बदली आज इसके बदली मैं न्यूज़पेपर यूज़ करूँगी। तो ये रहा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का जस्ट इस तरह से लेना है, लेके पत्ता गोभी को रख के इस तरह से मोड़ लेना है। तो इस तरह से आप इसको पैक कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह फ्रेश रहेगी और ख़राब नहीं होगी, हफ्तों तक अच्छी रहेगी। तो ये एक टिप्स है जो आप कटी हुई सब्ज़ी को इस तरह से आप रख सकते हो ताकि वो ख़राब ना हो विदाउट फ्रिज, वो बहुत अच्छी तरह से रहेगी, फ्रेश रहेगी। तो ये ज़रूर टिप्स अपनाएं। तो इसके बाद चलेंगे, चलिए थर्ड टिप्स की ओर। तो जो मेरी थर्ड टिप्स है तो वो कभी कभी ऐसी होती है जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम, बैंगन वगैरह जो ड्राई हो जाती है सब्ज़ी हमारे बाहर में रखी हुई है और समझ लीजिए ड्राई हो गई है और आपको इसको इस्तेमाल भी करना है, फेंकना भी नहीं है, तो इसको कैसे आप स्टोर करके रख सकते हो विदाउट फ्रिज। तो चलिए मैं बताती हूँ उस वीडियो में आपको। तो इसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैरेट से सूखा हो गया, एकदम ड्राई हो गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी ना, समझ लिए मैं अभी खाना पकाने जाऊंगी तो सुबह मैंने काटा और इसको अभी बनाना नहीं है, आप उसको शाम को बनाएंगे। तो आप इस तरह से कट के भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए जैसे देख सकते हैं ऐसा फॉइल करके जो आता है ना, तो ये टिफ़िन टाइप का होता है, ये हम इसमें गर्म खाना भी कभी कभी ट्रेन में लेके जाते हैं, सर्व करते हैं। तो ये बड़ा काम का होता है, ये बहुत कम चीप में भी मार्केट में मिल जाता है इजीली। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे इस तरह का एक फॉयल जो बाटी होता है हम जिसको कटोरा बोलते हैं, तो इस तरह से आप ले लीजिएगा। और साथ में मुझे यहाँ पर दो चाहिए और एक जिसमें मैंने आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैंने नॉर्मल पानी लिया है, तो थोड़ा सा पानी लिया है मैंने इसको, ज़्यादा नहीं। तो इसमें क्या करना है ना, तो इस पानी के ऊपर जो दूसरा मेरा जो फॉइल के जो ये है ये वाला मैं इस तरह से रख दूँगी। तो इसके बाद क्या है ना, तो वेजिटेबल्स को आप इस तरह से जो सूखी हुई वेजिटेबल्स हैं इसको आप रख सकते हो, तो आपकी एक दिन पूरे अच्छी रहेगी। जैसे क्योंकि सूखी हुई है, फेंकने वाली टाइम में आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप इसको एक दो दिन इस्तेमाल कर सकते हो अगर इस तरह से रख सकते हो। और एक तरीका है, आप एक कर सकते हो कि आप ये जो बीन्स है क्योंकि ये बड़ी है लंबी आती है, तो इसको इस तरह से आप फोल्ड करके रख सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम कीजिए, आप एक नाइफ़ लीजिए और नाइफ को लेके हुए, क्योंकि वेजिटेबल्स कुछ वेजिटेबल्स नाइफ से बहुत अच्छी कटती है, जैसे कि धनिया पत्ती, भिंडी वगैरह नाइफ से बहुत अच्छी कट जाती है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे चॉप्ड करके उसमें इस तरह से रख दें और रख के आप इस बस काउंटर टॉप में उसको छोड़ दें। तो आपकी समझ लीजिए आपने अभी वेजिटेबल्स काटी है, सब्जियाँ काटी है खाना पकाने के, लेकिन आपको मन है कि नहीं ये बाद में पकाऊंगी, रात को पकाऊंगी, दूसरा टाइम दूसरे दिन पकाऊंगी, तो आप इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्टोर कर रख सकते हो, एकदम ख़राब नहीं रहेगी, फ्रेश हो जाएगी, एकदम ऐसे ही रहेगी, एकदम अच्छी तरह से रहेगी। तो बहुत आसान तरीका है, आपको इंस्टेंट आप इसको ऐसे बना के रख सकते हो, काट के रख सकते हो, बस इसको फिर कढ़ाई में इसको आप सॉर्ट कर लेना और आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से ज़रूर इस्तेमाल कीजिए मेरा टिप्स। तो चलिए आर लास्ट एंड फोर टिप्स की ओर। तो लास्ट टिप्स है, जैसे कि हमारे घर में अंडे वगैरह तो रहते ही हैं, हम मंगवाते हैं, तो अंडे को तो हम बाहर रख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो इस तरह से इस अंडे का जो ट्रे होता है इसमें भी रख सकते हो तो ख़राब नहीं होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो हमें बाहर रखनी होती है, लेकिन कैसे उसको हम बाहर रख सके, ताज़ा रख सकें, तो ये फोर टिप्स मैं बताती हूँ। जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पर टमाटर है, तो यहाँ पे मेरे पास हाफ किलो है। अगर आपने 2-3 किलो समझ ली टमाटर खरीद लिया है और प्याज भी आपने लिया है, तो आप इस तरह से जो ये अंडे का जो ट्रे आता है इस ट्रे के होल्स में इस तरह से अगर आप टमाटर को पहले से धोकर साफ करके आप इसमें अगर रख देंगे तो हफ्तों तक आपकी टमाटर प्याज एकदम अच्छी रहेगी, सड़ेगी नहीं, एकदम फ्रेश रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि इकट्ठा नहीं होती ना, तो वो एक दूसरे के नहीं लगती है, टच नहीं होती है, तो उससे ख़राब नहीं होती है, एकदम फ्रेश रहती है। तो इस तरह से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि बिना फ्रिज के आप कैसे आप घर में सब्जियों को अच्छी तरह से रख सकते हैं। कि आप अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है, आप हॉस्टल में रहते हो या कहीं घूमने गए हैं, अपने वहाँ पे कुकिंग करना चाहते हैं, सब्जियाँ बहुत सारे खरीद लिया, लेकिन किस तरह से आप उसको स्टोर करें काउंटर टॉप में, तो उसी की टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैंने बताया है, फोर टिप्स बताया। होपफुली आपकी लाइफ मेरी टिप्स से ईजी होगी। तो डेफिनेटली दोस्त इसको ट्राई करें। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।